वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। त्योहारों का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में आप चीनी या मावे की मिठाइयाँ खा खा कर बोर हो गए तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले जिसमें चीनी या मावे का इस्तेमाल नहीं किया गया है और वो बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती है। चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हम एक नॉनस्टिक पैन गरम करेंगे और इसमें 2 चम्मच खसखस को हम ड्राई रोस्ट कर देंगे। इसे हम स्लो गैस पर ही ड्राई रोस्ट करेंगे और 1 से 2 मिनट तक ही करेंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे और इसी पैन में हम 1/2 चम्मच घी गरम करेंगे और घी गरम हो जाए बाद में हम इसमें 50 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट लेकर छोटा छोटा काट कर इसे भी हम रोस्ट कर देंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसे भी हम स्लो गैस पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल देंगे। अब उसी पैन में हम 1/2 चम्मच घी फिर से गर्म करेंगे और इसमें हम 500 ग्राम खजूर जिसके सीड्स हमने निकाल दिए हैं वो हम इसमें डालेंगे। और खजूर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट में हमारी खजूर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी। इसे भी हम स्लो गैस पर ही चलाते रहेंगे। देखिए हमारी खजूर सॉफ्ट होने लगी है। अब हम इसमें जो खसखस रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच रखेंगे। इसी तरह से ड्राई फ्रूट भी हम इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच जितना रखेंगे। अब इन सब को हम फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट तक ठंडा होने देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर इसका एक अच्छा सा रोल बना देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसका हाथों से अच्छा रोल बना देना है। अब हम प्लेट में जो खसखस और ड्राई फ्रूट रखा है वो डाल देंगे। और ये सब रोल पर अच्छी तरह से चिपक जाए इस तरह से हम फिर से रोल बना देंगे। हमारा रोल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने देंगे। 1 घंटे के बाद हम रोल निकाल देंगे और इसको हम स्लाइस में कट कर देंगे। हमारी खजूर बर्फी बिल्कुल ही तैयार है। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।